सीतामढ़ी पुलिस ने अपराध की योजना बनाते शटर कटवा गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि नगर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर रोड में पुल के समीप बदमाशों द्वारा अपराध की योजना बनाने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। सदर SDPO राम कृष्णा के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर घेराबंदी की और 5 बदमाशों को पकड़ लिया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान मुरली याचक के खुर्शीद आलम बिल्सन थाना क्षेत्र के जफरपुर का रहने वाला पिंटू कुमार सोनी एवं गर्भू शाह और पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन थाना क्षेत्र का रहने वाला निजामुद्दीन उर्फ गंगा एवं सुरेश शाह के रूप में हुई है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से लोडेड 2 देसी कट्टा, लोडेड 1 देसी रिवॉल्वर, 9 कारतूस, 5 मोबाइल फ़ोन, 1.5 किलोग्राम चरस जैसा पदार्थ और 1 वाहन जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक सभी बदमाशों का संबंध शटर काटकर चोरी करने से है। ज़िले में ऐसी 2 बड़ी वारदातें हुई हैं जिनमें इनकी संलिप्तता की जांच की जा रही है। सुबह नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत इस्लामपुर इलाके में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जो है वो अपराध की योजना बना रहे हैं। सूचना की सत्यापन एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु नगर थाना अध्यक्ष एवं हमारे द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान जो है वहाँ पर कुछ लोग पकड़े गए हैं। हम लोगों ने सभी को एप्रिहेंड करने की कोशिश की, लेकिन वो करीब 12-13 की संख्या में थे, जिसमें से कि कुछ लोग भागने में सफल रहे। हम लोगों ने 5 लोगों को घेर कर एप्रिहेंड किया है। 5 लोगों को विधिवत तलाशी इत्यादि लेकर फिर उन्हें पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में यह भी खुलासा हुआ है कि ये लोग जो हैं ये एक तरीके से शटर कटवा ग्रुप हैं, जो कि जिनमें अधिकतर लोगों का मोतिहारी ज़िले के घोड़ा सहन इलाके से संबंध है। इन लोगों से पूछताछ करने के क्रम में यह भी पता चला है कि जुलाई माह में किरण चौक पे एक मोबाइल दुकान में कुछ मोबाइल्स की चोरी हुई थी, एवं अभी हाल के दिनों में करीब 1 हफ्ते पहले भवानी इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि मोबाइल की ही दुकान है, वहां से भी करीब 108 की संख्या में मोबाइल चोरी की गई थी। शटर काटकर इसी मोडस ऑपरेंडी के साथ इन्होंने जो काम किया था, अंजाम दिया था, उसी चीज़ को वो फिर से करने पुनः आए थे और एकत्रित हो रहे थे, जिस दौरान हम लोग चूँकि पिछले घटना के बाद से थोड़े इस चीज़ को लेकर सजग थे, तो छापेमारी की गई और इनको अप्रिहेंड किया गया है। और अभी सभी के खिलाफ जब इनकी विधिवत जांच पड़ताल की गई तो इनसे एक देसी रिवॉल्वर, 2 देसी कट्टा, कुछ गोलियां एवं चरस जो है वो भी 1.5 किलो के मात्रा में इनके हिसाब से पकड़ा गया है। मोबाइल फोन्स हैं कुछ, और कुछ एक रेनॉल्ट टाइगर कार जिससे ये लोग आए थे वो भी हम लोगों ने पकड़ा है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, विधिवत सभी चीज़ों के तफ्तीश की जा रही है। कुछ लोग जो भागने में सफल रहे हैं उनका भी नाम इत्यादि पता कर उनको भी नेम किया गया FIR में। का अभी खंगालने की कोशिश की जा रही है, इन सभी का आपराधिक इतिहास जगह जगह लेने की जा रही है, लेकिन पूछताछ के क्रम में यह भी सामने आया है कि इन लोगों ने सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि राज्य के अन्य शहरों में अथवा राज्य के बाहर भी, जैसे कि विशाखापट्टनम में भी इनके द्वारा इनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसा काम किया हुआ है, जो वहाँ के जेल में भी लॉज रहे हैं पूर्व में। तो ये गैंग है जो बड़ी शातिर तरीके से और हैबिचुअल ऑफेंडर है, इस तरह का अपराध करने को लेकर ये हैबिचुअली इन लोग अपने आप को ट्रेन किए हुए हैं, और ये कर इन लोगों का एक पूरा मॉडल ऑफ ब्रांड है जिसके तहत ये मोबाइल फोन्स को पड़ोसी देश नेपाल में ले जाकर बेच दिया जाता है। लग्जरी कार, ये जो कार बरामद हुई है ये तो अब इन लोग का, चूंकि ये लोग बहुत दूर के रहने वाले नहीं है तो संभव है कि ये लोग वहाँ से आए होंगे उस कार के माध्यम से या आने जाने में ये इसका प्रयोग करते थे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे अभी खुलासा होना है या उस पर हम लोग की तफ्तीश जारी है।